अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं क्लास आप सब? हम आज के लिए बनाएंगे इंशाल्लाह अज़ीज़, अल्लाह करें हम सब कुछ अच्छा अच्छा कर लें। उसके लिए हमें चाहिए वुडन ग्लू 1 कप। मैंने बहुत थोड़ी क्वान्टिटी ली है क्योंकि मैं पहले बना चुकी हूँ। मैं जैसा आपको दिखाने के लिए भी लूँगी तो मैंने एक बहुत छोटा छोटा सा कप काटा है इसको, उसमें बहुत थोड़ी क्वान्टिटी ली है। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ग्रेसिन चाहिए हमें, बेबी ऑयल चाहिए और पानी और कॉर्नफ्लोर चाहिए। तो लकड़ी का चम्मच और नॉनस्टिक पैन ही हमें डो बनाने के लिए यूज़ करना है। इसके अलावा हमें कोई दूसरा बर्तन यूज़ नहीं करना। आपकी डो सही नहीं बनेगी, आप मेथड को सही अप्लाई यूज़ करेंगी तो इंशाल्लाह आपकी डो भी अच्छी बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसमें मैंने बना के पहले रख ली थी क्योंकि इसको ठंडा करने के लिए हमें टाइम चाहिए और हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम आधा घंटा रेस्ट देने बैठ जाएँ इसको वेस्ट करें अपना टाइम। अच्छा, और हमें सेम क्वांटिटी में उतना ही हमें कॉर्नफ्लोर चाहिए। हम बेबी ऑयल लेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून। मैं वो डाल दूँ थोड़ा सा, और हम ग्रेसिन भी उतनी ही लेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। मैं आपके सामने डालती हूँ। मेरे एक हाथ में चूँकि कैमरा है तो मुझे बड़ी मुश्किल हो रही है। मेरे पास इसे तबीयत रात खराब थी तो मैंने मुकम्मल तैयारी नहीं की अपनी क्लास के लिए। अच्छा जी, एक तकरीबन चाहिए चाहिए और हम इसमें डालेंगे पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी आपने इतना डालना है कि ये मिक्स हो जाए। इतना नहीं डालना कि उसकी लस्सी बना के बैठ जाएँ और बाद में अपनी डो को पतला कर लें। हमें जस्ट इसको मिक्स करने के लिए पानी की ज़रूरत है कि हम इसको सॉफ्ट कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह कितना मिक्स करेंगे ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अच्छा, मेरे से आज एक गलती हुई है अभी, वो ये हो गई है कि मैंने ना कॉर्नफ्लोर के बिल्कुल ऊपर डाल दिया है इसको, ग्रेसिन को, इसलिए ये देखें ये जो हो रहा है ना ये जमा हुआ है, इस वजह से हो रहा है। ये जो बन गए बड़ा हार्ड सा हो गया यहाँ से। हमने कॉर्नफ्लोर के ऊपर नहीं डालनी है, हमने उसके ऊपर डालनी है, ग्लू के ऊपर डालनी है। या पहले पानी डाल के पानी में मिक्स कर लेनी है, उसके बाद हमें रखा है मीडियम फ्लेम पे और हमें इसको हिलाते जाना है ताकि ये ओवर ना हो। तो मैं बहुत छोटी क्लिप बना रही हूँ ताकि सेंड हो जाए। सुबह 15-15 मिनट की क्लिप थी मेरी, इसलिए सेंड नहीं हुई थी। तो इसको हमें मुसलसल हिलाना है, ज़रा सा भी ये एक तरफ से कुक होगी तो हार्ड हो जाएगी। हमें फिर उसके फ्लावर्स बनाने में या कलर मिक्सचर में प्रॉब्लम आएगी। अभी ये पकना शुरू हो गया नीचे से। अच्छा, मुझे एक आपको बात बतानी है, ये ज़रूरी नहीं होता कि हम इसमें लेमन जूस ऐड करें या इसमें हम वेनेगर ऐड करें। वो जो कहते हैं कि ये इसलिए ऐड किया जाता है कि ताकि ये 1 माह तक 1.5 माह तक स्टोर कर लें इसको, तो ये मैं आपको बता दूं स्टोर नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा 15 खींच लें तो 20 दिन, इससे ज़्यादा हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये होती नहीं है। क्योंकि मैंने 6 साल से यही कुछ कर रही हूँ और मैंने इसके साथ बहुत तजर्बे किए हैं। हम आदम की औलाद है ना, मना जिस चीज़ से किया गया मैंने वो की है, मैंने हर तजर्बा किया डो के साथ तो नहीं रहती। हाँ, अगर आप इसकी डो की स्मेल आपको अच्छी नहीं लगती, थोड़ा तकरीबन आप चेक करें यहाँ पे अभी थोड़ी सी रह गई है। ये जैसे ही पैन को पूरा छोड़ेगी, मैंने चम्मच को इसने लिपट जाना है अभी और मैं इसको उठा लूँगी चम्मच पे करके कि हमें इसको ओवर कुक नहीं करना, ठीक है। जहाँ ये ओवर कुक हुई ये हार्ड हो जाएगी और जहाँ हार्ड हुई आप लेके बैठे रहिएगा फिर इसको, क्योंकि इसके फ्लावर्स ना कलर मिक्स कुछ भी ठीक से नहीं होगा। अब मैं इसको उठा रही हूँ फ्लेम पर चम्मच पर लपेट के। मैं नीचे से इसको चूल्हा बंद कर रही हूँ और फिर फ्लेम से, ये ऐसी है। और अब इसको ग्रीसी पैन के अंदर डालूंगी मैं
और सॉरी ग्रीस शॉपर पहले से मैंने किया हुआ है उसके साथ सिपर कोल्ड क्रीम के साथ, इसको उसमें डालना है हमें और फिर इसको खूब मैश करना है। मैं अंदर से कर चुकी हूँ और इसलिए मैंने बाहर रख दिया है, ये फुल गर्म है ये। बना बना के मेरे हाथों का ब्रश है, नेल में सारे कलर्स आए हुए हैं जी, वो गरीब हाथ में। प्लीज़ आप अपने हाथों का ख्याल रखिए, मैं काम में लगी होती हूँ तो मैं बिल्कुल अपनी केयर नहीं कर पाती हूँ, मेरे पास पानी पीने का भी टाइम नहीं होता, तो इसलिए मेरी स्किन बहुत हाथों की ख़राब हो गई है, कलर्स में रह गया कि रंग बिरंगे केमिकल्स में रह गया कि। तो प्लीज़ आप अपने हाथों का ख्याल रखिएगा, खासतौर पर केमिकल्स का जैसे काम करें। हमें इसको इतना मैश करना है कि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए, और हमें इसको गरम गरम को ही मैश करना है, हमें इसको ठंडा नहीं करके मैश करना है। मैश करेंगे तो ये ठीक से नहीं बनेगी, इसमें गुठलियाँ सी रह जाएंगी, स्मूथ तो नहीं होगी, और स्मूथ नहीं होगी तुम्हारे फ्लावर ठीक से बनेंगे। मैं इसको 2 मिनट और करूँगी मैश और इसको छोड़ दूँगी। मैंने रात के लिए बनाई थी और इसलिए कि हम अपना काम कर सकें, लेकिन नहीं हुआ। सुबह बनाई थी मैं उसके फ्लावर, उसमें कलर मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। इसको रश के लिए छोड़ रहे हैं, करना है मैं इसको मैश नहीं करूँगी, इस बाकी मैश ही हम करेंगे कलर मिक्स करने के लिए करते वक्त। ये तकरीबन इसमें कोई गुठली नहीं है, ये बिल्कुल स्मूथ है, अगर आपको नज़र आ रही है मेरे हाथ काम, ठीक है। अब हम आते हैं कलर की तरफ, कलर मैश मिक्स करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह करे ये क्लास आज की हो जाए, बड़ी टेंशन दिया आज की क्लास में।